नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं महेश रांगेरा। बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। आइडियल पब्लिक स्कूल में प्रधानाध्यापक दौलत सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में तहसील स्तर पर 8वीं कक्षा में भूमिका काबरा पुत्री मनोज काबरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विक्रम सिंह पारक, सह निदेशक शशि कला पारक ने भूमिका काबरा और उसके पिता मनोज काबरा को एक नगद राशि प्रशस्ति पत्र और भारतीय संस्कृति की पुस्तकें देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अमृता जोशी, अमित राजपुरोहित, दिनेश पुरी एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित था। एक तरफ तो सरकार कोरोना वायरस पर अलर्ट है, वहीं तमाम तरह की सावधानी बरतने के लिए सतर्क भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत क्षेत्र कोला डूंगरी रोड छापर बस्ती के पास स्थित गोचर भूमि पर कचरे का डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां पूरे गांव का कचरा, गंदगी और मरे हुए जानवर डाले जाते हैं। लगभग 3 बीघा जमीन पर सैकड़ों ट्रैक्टर गंदगी हुआ वहां पर लंबे समय से पड़ी है। गंदगी के इस ढेर के पास आसपास ही बावरी, हरिजन, बस्ती, मुस्लिम समाज सहित अन्य समाज के लोगों के घर स्थित हैं, जिनका जनजीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। भयानक बदबू से जीना दुश्वार हो चुका है। सैकड़ों ट्रैक्टर गंदगी नुमा कचरे का ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा नष्ट नहीं किया जाने से कोरोना वायरस जैसा भयानक संक्रमण भी फैलने का अंदेशा है। आसपास बसे लोगों ने बताया कि हवा और बारिश ने दुर्गंध इनके घरों में आती है। घर में आपातकालीन हालत बने हुए हैं। गंदगी के ढेर और वहां पर पड़े मृत जानवरों की दुर्गंध ने रोजमर्रा का जीवन नरकीय हो चुका है। हमारे यहाँ डिले पर लेके देखते हैं और हमारे यहाँ घर पर, हमारे पास हमारे घर है और हमें इतनी बदबू आती है कि हमें परेशानी हो रही है बहुत। हो वीडियो गुरु आ जा रही नरी है अपनी है मान हाल तो खाली कर गया। गाया पड़ी है 10-15 दो और रोजाना कचरा ना के ले लिया हटे, कचरा का ढीला लगा मिले है, गंदगी फैल मिली है थोड़ा पूरा बुरा उड़ के मायने शमशाना का नहीं और उन्हें गांव के माए तिलिया का घर है, बावरिया का घर है, जटा भेजे गंदगी फैल मिली है, बीमार मिले करता है तो आदमी टाबर और बीमार मिल गया, गंदगी में बीमार मिले करता है आदमी अट बहुत ही गंदगी मिली तो आदमी घर में रोटी नहीं खा सके, चाय नहीं पी सके। मगे बार डोगरी शांत हुई जगह 12 दिन तक बैठक रखी तो मैं सारा दिन पूरा दिन चाय को नहीं पी और बाहर सारा भेजे गंदगी बाहर सारा जगह की कोई कोशिश कर गुरार पंचायत प्रधान प्रधान जी की सरपंच पंचायत की तरफ हूँ, पंचायत समिति हूँ, तहसीलदार जी कोई एस डी एम साहब कोशिश करे जी कचरा ने जो अलग हटावे और इन कचरा ने उठावे, नहीं तो गंदगी फैल जाए भेज जाए शमशान के मायने कोई दाग संस्कार करे तो आदमी बेटा बैठ नहीं सके, दाग संस्कार करने नहीं जा सके, अति गंदगी भेज बस है और मांगो पुराणो मंदिर। लॉयंस एवं लियो क्लब कुचामन फोर्ट ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में दूसरे दिन भी जन जागरण अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर शकील राव के सानिध्य में क्लब अध्यक्ष राम काबरा, संरक्षक पवन जैन, लियो क्लब अध्यक्ष राघव सारडा, परवसर क्लब सचिव बिरमाराम मुरावतिया, राजकुमार सोनी, द्वारका प्रसाद कुमावत, सौरभ सोनी, किशन सेवदाव, यश बंसल ने बस स्टैंड से कोरोना वायरस से बचाव एवं सावधानियों से संबंधित पंपलेट वितरित किए। फिर इसके बाद क्लब सदस्यों ने स्टेशन रोड स्थित कच्ची बस्तियों में बैनर लगाकर एवं पंपलेट वितरण कर वायरस के प्रति लोगों को सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया एवं साबुन वितरित कर समय समय पर हाथ धोने के लिए भी निवेदन किया।
कलेक्ट्रेट स्थित आईटी सभागार में गुरुवार को जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागौर जिला में कोरोना व संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे स्टेशनों बस स्टेशनों पर यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि IBS की टीम द्वारा जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कुचामन के नारायणपुरा रेलवे स्टेशन सहित मेड़ता रोड डीडवाना मुंडवा लाडनू मकराना के रेलवे स्टेशन पर राउंड द ब्लॉक 24 घंटे यात्रियों की हेल्थ स्कैनिंग की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर RBS गठित टीमों को आदेश जारी करके उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। साथ ही आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है। जिला कलेक्टर यादव ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति रिपोर्ट ली है, प्राप्त करते हुए और भारी क्षति पहुंचाई है। वो ये पीरियड है जिसके अंदर एकदम से जो नंबर्स हैं प्रभावित लोगों का और उसके कारण से जो व्यक्ति मृत हुए उनका एकदम से बहुत से देशों में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा। अब क्योंकि हमारे देश में भी अब वो पीरियड आने वाला है, संक्रमित लोग पूरे भारत में लगभग आप सबको मालूम है कि 150 के आसपास हुए हैं और इसी संदर्भ में कुछ मृत्यु भी अब तक हुई है। ये संख्या पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के ट्वीट राजनीति के गलियारे में सियासी चर्चा का विषय बन गए। पर्वतसर में तेजाजी मंदिर विकास के लिए 2.3 करोड़ के समथिंग करोड़ स्वीकृति राशि का मंत्री पर्यटन विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया। हनुमान बेनीवाल ने आभार जताया, आभार जताकर खरनाल के तेजाजी मंदिर के लिए भी कदम उठाने की मांग की, तब उसके साथ रिट्वीट किया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जवाब लिखा, भाई मांगे और मैं ना दूं ऐसा कैसे हो सकता है। ट्वीट में लिखा, पर्वतसर से रामनिवास गावड़िया मेरा बेटा विधायक है और नागौर से सांसद मेरा भाई। यह ट्वीट आम जनता में भी जन चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम भक्ताव में एक बेटी ने अपने पिता के स्वर्गवास पर अर्थी को कंधा देकर बेटी और बेटा में फर्क को मिटाते हुए समाज को एक जागरूक संदेश दिया। अर्थी देने वाली बेटी ने कहा कि पापा मुझे बेटा कहकर ही पुकारते थे, तो मेरा हक तो पहला बनता है, मैं भी कंधा दूंगी। यह बहादुर बेटी गांव भावता की है। इसके पिता मोहनलाल मेघवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जिद करने वाली नाबालिग बेटी नीलम है। यह दो भाई व दो बहन से यह छोटी बेटी है, 17 वर्ष की है। समाज में नई सोच रखने वाली बेटी की यह बड़ी पहल है, पिछड़े समाज को जागरूक करने का यह संदेश भी दे रही है। कोरोना वायरस के चलते आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। किशोर प्रजावत ने रिपोर्ट दी कि कोरोना वायरस व मौसमी बीमारियों को देखते हुए ग्राम बस्सी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में 700 ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक काढ़ा चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार द्वारा 700 लोगों की उपस्थिति में पिलाया गया। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस काढ़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसे कोरोना जैसी वायरस व अन्य मौसमी बीमारियों के लिए भी लड़ने की क्षमता है। लाइन से
नगर पालिका के तत्वाधान में कोरोना वायरस जागरूकता के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों, व्यापार मंडलों, बार एसोसिएशन, मंदिर, मस्जिद, सामाजिक संस्थाओं, पत्रकारों सभी ने कोरोना की गंभीरता व बचाव को लेकर वर्कशॉप आयोजित कर चर्चा की गई। सभी को मास्क दिए गए व हाथ की सफाई के लिए सैनिटाइजर से करके ही प्रवेश दिया गया। इसमें तहसीलदार, थानाधिकारी, डॉक्टर, अधिशासी अधिकारी सहित पालिका अध्यक्ष एवं सभी लोग उपस्थित रहे। थेरेपी व हेल्थ केयर सेंटर छोटी खाटू के संचालक डॉक्टर अशोक कुमार सोनी रोहिणा ने कस्बे के कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए ग्रामीण जनों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया एवं आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। इस मौके पर पत्रकार गोवर्धन सोनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। पंचायत से युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति मकराना के सह सचिव प्रवीण चौहान को निर्विरोध उप सरपंच बनने पर समिति की ओर से उप सरपंच को माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। गौ माता की कृपा और आशीर्वाद से निरंतर ग्राम वासियों की सेवा एवं तरक्की करने की मनोकामनाएं की। इस मौके पर ठाकुर मोहन सिंह शेखावत, संस्थापक पूर्णमल सुरेश कुमावत, अंकित तंवर, उपाध्यक्ष राघव सोलंकी, सचिव भवन सिंह चौहान, पांचुराम घिटाला, सुखाराम मेघवाल आदि मौजूद थे। प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन मकराना की तरफ से एम्बुलेंस कर्मी अपने जीवन का ख्याल रखते हुए बचाव ही प्रचार का संदेश दिया तथा हार्टेक, ब्रेन हेमरेज, ट्रोमा पेशेंट को रेफर ले जाने का निर्णय भी लिया। चिकित्सालय में भी एक मरीज के साथ केवल दो अटेंडर लेने का निर्णय हुआ। ज्यादा अटेंडर होने पर स्वयं के निजी वाहन का उपयोग करने की बात कही गई। साथ ही पेशेंट एडमिट एवं ओपीडी दिखाने की मरीज एवं अटेंडेंट की जिम्मेदारी भी तय की गई। चालक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एसोसिएशन ने 31 मार्च तक इसी नियम के अनुसार एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया और डॉक्टर की सलाह से ही आप आगे बढ़े। तत्परता जो भी मरीज या उनके अटेंडर को आप बिठाएं, इससे पहले उनको स्टरलाइजर कपड़े पहनावें, मास्क लगवावें, स्पीड से उनके हाथ धुलवावें और अधिक से अधिक सवारी बिठाएं। और बुजुर्ग हो, कोई ऐसा आपको महसूस होता हो कि ये संक्रमित है, तो उसे तुरंत प्रभाव से आप सरकार को आदेश करें, आप न ले जाएं। और हमेशा आप अपनी गाड़ियों को सुरक्षा रूप में धूप में खड़ी रखें। गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन, गाड़ी के अंदर स्पीड, ग्लव्स, अन्य मेडिकल सुविधा सभी उपलब्ध हो। और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अभी 10-15 दिन के अंदर काफ़ी रोग या अन्य भी आएगी, इसके तहत आप कोई भी लालच में न आकर के अधिक किराया वसूलते हुए ये न मन कर लें कि मुझे आप जयपुर के 5,000 दो, मैं आपको छोड़ दूँगा। आप ज़्यादा लालच के अंदर कोई भी वाहन चालक अपने परिवार को खतरे में ना डालें। रास्ते में कुछ होने वाला नहीं है, आप बहुत समझ करके। और अभी इस बड़ी खबर नागौर से आ रही है। वहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीलनवाद में व्याख्याता पूनाराम मेघवाल एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर की जांच रिपोर्ट में आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री हाई अलर्ट पर रहे। इतना ही, नमस्कार।